हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली में है दशमलव एवं भिन्न से संबंधित सवाल, मतलब पॉइंटों वाले गुणा और भाग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली का पहला सवाल। जैसे एक के बाद में पॉइंट जब इधर से जुड़ो एक के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर देखो, पहले इसको साधारण तरीके से गुणा कर लो, 48 असल की 4 832 और 4 36 हमने साधारण तरीके से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद संख्या गिनेंगे, तो एक ही है तो सीधे हाथ की तरफ से फिर संख्या गिनकर एक संख्या गिनकर पॉइंट लगा देंगे। जैसे 8 एक संख्या होगी, उसके बाद में यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया गुणा। आगे देखो, 5 से पहले साधारण तरीके से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 7 पंजे 35 संख्या 3, 5 दो 10 और 3 13, ठीक है। अब दो संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे, जैसे ये पॉइंट बाद दो संख्या है 1 और 2, तो इधर से दो संख्या गिनेंगे 1 और 2, दो संख्या बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये इसका उत्तर हो गया। चौथा सवाल देखो, सबसे पहले जो 20.1 है इसको 4 से साधारण तरीके से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो देखो, 4 एकम 4, 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 दुनी 8, सरल तरीके से गुणा कर दिया। अब यहां पर पॉइंट के बाद केवल एक संख्या है, तो सीधे हाथ की तरफ से संख्या गिनेंगे, एक संख्या गिनकर पॉइंट लगा दिए, तो 4 एक संख्या हो गई, उसके बाद में सीधे पॉइंट लगा दिए, तो 80.4 इसका उत्तर हो गया। यहां देखो, 0.05 को हम गुणा करेंगे 7 से, तो पहले हम 7 को 5 से सीधे सीधे गुणा कर देंगे, उसके बाद में संख्या गिनकर पॉइंट लगा देंगे, तो 7 पंजे 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, तो इधर से सीधे हर तरफ से दो संख्या गिनेंगे 1 और 2, यहां पर पॉइंट लगा देंगे। अब देखो, पॉइंट अकेला रहता नहीं है, इसलिए हम यहां पर 0 भी लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास है 211.02 गुणा 4, तो इन संख्याओं को 4 से सीधे सीधे गुणा करेंगे, उसके बाद में गिनकर पॉइंट लगा देंगे, तो 4 दुनी 8, 4 को 0 बार होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दुनी 8, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, है ना, तो दो संख्या इधर की तरफ से गिनेंगे 1 और 2, तो ये होगी। अब हमने पॉइंट लगा दिया दो संख्या बाद में, तो 800 इसका उत्तर हो गया। यहां पर देखो, इसको गुणा करेंगे 6 दुनी 12 सर ये 8 दुनी 16 एक 17, पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो इधर से दो संख्या गिनेंगे 1 और 2, ये यहां पर पॉइंट लगा दिया, और इस प्रकार से हमारा सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हम इसको हल करते हैं। यहां पर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, हमारे पास लंबाई का मान है 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई का मान है 3 सेंटीमीटर। अब हम इनको गुणा करेंगे, देखो 3 सात 21 असल की 2, 3 पंजे 15 और 2 17, पॉइंट के बाद केवल एक संख्या है, तो सीधे आगे तरफ से एक संख्या गिनकर पॉइंट लगा देंगे, तो एक ये हो गई, यहां लगा दिया पॉइंट, तो ये हो गया इसका उत्तर 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 17.1 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया दूसरे सवाल का। तीसरा सवाल देखिए, याद कीजिए, यहां पर आपको 12 सवाल मिलेंगे इस तीसरे में। तो पहला भाग देखो, 1.3 को 10 से गुणा करना है, तो गुणा करना कितना आसान है, 13 को 10 से गुणा करेंगे कितनी होगी 120। अब देखो, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो इधर से हम एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 0 को छोड़कर यहां पॉइंट लगा देंगे, ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरीके से 368 को 10 से गुणा करेंगे, तो 368 आगे 1 जोड़ लग जाएगा। अब यह पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो सीधे आगे तरफ से एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो
तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा 153 और ये 7 है ना, और ये जीरो लगा दिया 10 से गुणा करने पर, और पॉइंट की बात केवल एक संख्या थी, सीधे आगे तरफ से एक संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट लग गया, ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरीके से यहां पर भी हम 10 से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे ये संख्या हो जाती है 10 से गुणा करने पर, ठीक है इस तरह से। तो यहां पर 10 से गुणा करने पर क्या होगा, एक जीरो लग जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट वाले दो संख्याएं हैं तो पॉइंट वाले दो संख्या के लिए हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट लगे इस तरह से। यहां पर सेम काम यहां पर करेंगे, यहां पर देखो 100 से गुणा करना कितना आसान है, इन संख्या वाले दो जीरो लगा दो 100 से गुणा हो गया। अब पॉइंट वाले एक संख्या, एक संख्या के लिए पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहां लग जाएगा, ये उत्तर हो गया। इसी तरीके से यहां पर दो जीरो लगा दो सीधे सीधे, और पॉइंट वाले एक संख्या, एक संख्या इधर से गिनकर पॉइंट लगा दो, ये उत्तर हो गया इसका। इस तरह से बिल्कुल 362 और दो जीरो लगा दो, पॉइंट वाले दो संख्या है तो इधर से दो संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। ऐसा ही यहां पर करेंगे 43 07 दो जीरो लगा दो, पॉइंट वाले दो संख्या है तो सीधे आगे तरफ से दो संख्या गिनकर यहां पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। नौ सवाल देखो 50 हो जाएगा पूरा पूरा, फिर सीधे तरफ से एक संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा। ऐसे यहां पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 है ना, सीधे तरफ से दो संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे, एक और दो यहां पॉइंट लगेगा, तो इससे पहले फिर जीरो लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि पॉइंट अकेला रहता नहीं है। इस तरह से 9 को सबसे बड़ा करेंगे तो 900 हो जाएगा, एक संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट यहां लग जाएगा। ऐसे यहां पर 3 के आगे 3 जीरो हो जाएगी, दो संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे एक और दो, ये पॉइंट यहां लग जाएगा, मतलब उत्तर इसके 30 होंगे। तो कितने आसान सवाल थे ये तीसरे में। चौथे नंबर का सवाल देखिए, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब यहां पर आपको कुल दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी बराबर होगा यहां पर 55.3 को गुणा करना पड़ेगा 10 से, है ना। तो यहां पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 55.3 है ना, इस तरह से सीधे सीधे एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक संख्या गिनकर यहां पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 553 किलोमीटर, ये उत्तर हो गया चौथे सवाल का। पांचवा सवाल देखिए, ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको जो भी जितने भी सवाल है वो दोनों तरफ संख्याओं में पॉइंट मिलेंगे, उनको गुणा करना होगा। तो देखिए इनको गुणा करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसे ही गुणा करेंगे जैसे हम 3 को सीधे सीधे 25 से गुणा करेंगे, तो 25 75 हो जाते हैं ना। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगाना है, इसके लिए आपको पॉइंट के बाद संख्या गिननी होगी, पॉइंट के बाद संख्या एक ये हो गई और एक ये हो गई, दो संख्या हो गई, तो सीधे आगे तरफ से दो संख्या गिनकर पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और उससे पहले जीरो लगा देंगे सीधे, ये आंसर हो गया इसका। इसी तरीके से यहाँ पर 1 को 517 से गुणा करेंगे तो 517 ये वही आ जाएगा, है ना। अब आपको पॉइंट गिनकर लगा रहे हैं, जैसे पॉइंट बाद में एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई, दो हो गई, मतलब एक और एक दो, तो इधर सीधे आगे तरफ से दो संख्या गिनेंगे एक और दो, तो पॉइंट लगा देना आपको यहां पर। सेम काम यहां पर भी करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 316.8 को, तो पॉइंट वाइट बाद में देखेंगे, पहले आप सीधे गुणा कर दो, 8 2 16 सर किए, 6 2 12 और 1 13 सर किए, 2 1 2 और 1 3, 3 2 6 आपने यहां पर गुणा कर दिया सीधे। अब पॉइंट वाली संख्या गिनेंगे एक और एक दो, दो संख्या हो गई, सीधे आगे तरफ से दो संख्या गिनकर पॉइंट लगाएंगे, तो एक और दो, तो पॉइंट आपने यहां लगा दिया इसका। यहां पर आपको इस तरह से गुणा करना है, 13 को 31 से गुणा करना है, तो 13 1 13 सर किए, 33 39 और 40। अब आपको पॉइंट गिनकर लगाना है, तो पॉइंट बाद एक संख्या ये रही एक ये रही, तो इधर से दो संख्या पॉइंट कर इधर लगाएंगे गिनकर एक दो, तो दो संख्या बाद में पॉइंट यहां लग जाएगा। ऐसे यहां पर 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब आप पॉइंट वाली संख्या गिनेंगे 1 2 3 संख्या होगी, तो इधर से 3 संख्या गिनेंगे 1 2, 3 संख्या नहीं है तो 0 लगा लेंगे, 3 हो गए, फिर यहां पर पॉइंट लगा देंगे, फिर यहां पर 0 लगाएंगे इस तरह से। इसमें देखो सीधे इससे गुणा कर लेंगे, 15 2 30 15 2 30 सर की 3, 15 1 15 और 3 15 और 3 हो गए 18 सर की 1, 15 1 15 और 1 16, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1
दो तीन, तो इधर से तीन से क्या करेंगे एक दो तीन, तो पॉइंट लगा देंगे 1.680। ये हो गया चौथा सवाल, वो चौथा क्या छठा सवाल, यहाँ पर ये गलत लिख रखा है हमने, इसको ऐसे लिखेंगे आगे। सातवां सवाल देखो, यहाँ पर भी इन संख्याओं को सीधे सीधे गुणा करेंगे, जैसे 2 से 107 गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा 214, जैसे 7 × 14 और 2 × 1 = 2, सीधे सीधे गुणा कर दिया। अब आपको संख्या गिनकर पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद में 1, 2, 3, 4 चार संख्या हो गई, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 14 जीरो लगाने के बाद भी यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर भी आपको गुणा करना है, देखो गुणा करने के तरीके क्या होता है, 5 को 5 गुणा करेंगे 5×5 = 2, 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 जाएगा, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5×5 फिर 0 को करेंगे तो क्रॉस लगा देंगे, 0 से गुणा करने पर 0 0 आएगा, फिर यहां पर गुणा करेंगे 1 से गुणा करने पर 5 0 0 1 ऐसे आएगा, 5 2 5 5 0 1 ये संख्या होगी है ना। अब आपको पॉइंट वाला लगाया, पॉइंट गिनने के बाद लगाओ, देखो पॉइंट वाला 2 से क्या ये रहे 2 ये रहे, कितने हुए 4 संख्याएं हो गई, तो इधर से गिनो 1, 2, 3, 4 चार संख्या बाद में यहाँ पर तुरंत पॉइंट लगा देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। बिल्कुल ये काम यहाँ पर वैसे करेंगे, यहाँ तो सीधे 1 से ही गुणा करना होगा, तो इससे गुणा करने पर क्या आएगा 0, 1, 0, 1 पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर है और 2 इधर है, 4 हो गए, तो इधर से 4 संख्या के अंदर पॉइंट लगा दो 1, 2, 3, 4 तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9वां सवाल था, अब हम 10वां करेंगे। देखो 10वां सवाल देखो, हम यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो कैसे 11 × 11 सर की 1, 11 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा है ना, फिर 0 फिर 11 × 0 फिर 11 × 11 ठीक है। अब आप संख्या गिनो, पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर 1 इधर, तो 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाइए, तो इधर से गिनो 1, 2, 3 तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो प्रश्नावली है 2.4 इसके 5वें सवाल के हमने पूरे 10वें सवाल कर लिए, ठीक है। और इसी सवाल के साथ में हमारी ये जो प्रश्नावली है खत्म होती है। आपको कोई सवाल में दिक्कत आएगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।